टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गज बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया, ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहते हैं, वो विरोधी नहीं है। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग? संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था, ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने सम कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है, उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने, इसलिए संसद बनती है। लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है, ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गट बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया, टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के होता है, करने के लिए होता है। लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया, ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं, वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए, वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई,
एनडीए की। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही, सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है, दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है।